मैं मुबारकबाद पेश करता हूं टीपू सुल्तान सेना को, अबरार भाई को, उनके रुफकाएकार को कि आज इतना अच्छा मुशायरे का इनेकाद किया गया है जिसका उन्वान एक शाम माँ बाप के नाम। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ए ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आज का ये अजीमुशान तारीख साज मुशायरा टीपू सुल्तान सेना के जानिब से एक शाम माँ बाप के नाम उन्वान से मुनक्किद किया गया है। ये तारीख साज मुशायरा वाकई बहुत दिनों तक, बहुत देर तक याद रखा जाएगा। और ये अरबी शहर की एकता और ये एकता का संदेश मीडिया के हवाले से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। मैं इस वक्त ये बात कह सकता हूँ कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। यहाँ कुछ ऐसी सियासी समाजी शख्सियतें मौजूद हैं जिनकी शख्सियत का इतराफ ना करना ये उनके साथ ना इंसाफी होगी। तो यूं भी कहा जा सकता है कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये मुशायरा इसलिए भी अजीम है कि इस मुशायरे की सदारत अमरावती शहर की मायना शख्सियत मोहतरम मिराज का बड़ांसा फरमा रहे हैं। ये मुशायरा इसलिए भी अजीम है कि मेहमान खुसूसी में असलम भाई तशरीफ रखते हैं, जुबैर हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं, खालिक भाई तशरीफ रखते हैं, अजहर इकबाल तशरीफ रखते हैं। आइए दोस्तों, बिला ताखीर और तमसील मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों, मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है, मुशायरों की रिवायत रही है कि नाते सरवरे कौनैन से मुशायरों का आगाज होता है। आइए नाते सरवरे कौनैन गुनगुनाने के लिए मैं कैसी आवाज को आवाज देना चाहता हूँ, एक ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि खलीजी मुल्कों में ये बात मनवाई है कि आवाज का जादू ऐसे भी चलाया जा सकता है। मेरी मुराद है हजरत जावेद इशाती से, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नाते सरवरे कौनैन गुनगुनाए। दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। जावेद इशाती।